السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Strategies and tactics of शैतान, यानी शैतानी हथकंडे और शैतान की चालें. आज इस टॉपिक को मुख्तसरन समझेंगे. सबसे पहले ये जानेंगे कि शैतान कौन है, शैतान की हकीकत क्या है. कुरान में अल्लाह सुभानहू ताला ने बताया कि इबलीस जिन्नों में से था. शैतान और उसके दरमियान दुश्मनी, शैतान और इंसान के दरमियान की जो दुश्मनी है, ये तारीख बहुत पुरानी है. इसकी शुरुआत उस रोज़ से होती है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद तमाम फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया था. अल्लाह ताला का हुक्म सुनते ही तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सरे इताअत खम कर दिया, मगर इबलीस ने हसद के बिना पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया. इसके सबब अल्लाह ताला ने उसको जो मकाम व मर्तबा अता किया था उससे महरूम कर दिया. नतीजा ये हुआ कि इबलीस हसद, नफ़रत और दुश्मनी की आग में जलने लगा. उसने अल्लाह ताला के सामने ये अहद किया था, मैं क़यामत के दिन आदम और उस कयामत तक मैं आदम और उसकी औलाद को गुमराह करता रहूँगा. इसका ज़िक्र हमको सूरह सौद की आयत नंबर 82 में मिलता है, जिसमें शैतान ने कहा था, तेरी इज्जत की कसम मैं सब इंसानों को गुमराह करके छोड़ूंगा. शैतान इस कायनात में शर व फसाद की सबसे बड़ी ताकत का मालिक है. वो अल्लाह के नेक और सालेह बंदों को राह रास्त से भटकाने के लिए हमेशा नित नई तदबीरें और चालें इख्तियार करता रहता है. एक हदीस में फरमाया गया कि शैतान बनी आदम की रगों में खून की तरह गर्दिश कर रहा है. शैतान की बनी आदम से दुश्मनी के पेशे नज़र शरीयत ने हमें बहुत सी बातें बताई हैं, जिनके ज़रिए हम अपनी ज़ात को शैतान के शर व फसाद से महफूज रख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला. अल्लाह ताला ने अपने अंबिया व रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा, ताकि वो लोगों को तारीकी से रोशनी की तरफ निकालें और लोगों को शयातीन के फितनों और मुसीबतों से बचाएं. शैतान से मुतालिक अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाते हैं कि शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो. वहीं सूरह फातिर में अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो. वो अपने पैरोकारों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोजक वालों में से हो जाएं. यानी अल्लाह सुभान व तआला यहाँ कह रहे हैं कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो. तो सबसे पहले अपने आप से पूछें, क्या हम शैतान को दुश्मन समझते हैं हमारा? अल्लाह सुभान व तआला तो यहाँ कह रहे हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन है और उसको दुश्मन ही समझो. फिर आगे इस आयत में कहा गया कि वो अपने ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को बुलाता है ताकि वो दोजक वालों में से हो जाएं. यानी जब शैतान को अल्लाह सुभान व तआला ने जन्नत से निकाल दिया, वो जहन्नुम में जाने वाला है, तो इस आयत से जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि वो अपने पैरोकार यानी उसकी बातों पर अमल करने वाले, उनको वो बुलाता है और वो कहता है उनको करने के लिए, ऐसे आमाल करने पर उनको उकसाता है जिससे कि वो जन्नत में ना जा पाएं. यानी वो ये चाहता है, जिस तरह से कि हमने देखा आज शुरू में ही, कि उसने तो अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा,
तो वही बात है कि वो गुमराह करके उनको दोजक वालों में शामिल करना चाह रहा है। तो अल्लाह सुबहानो ताला लेकिन हमको कुरान में बार बार इस बात की ताकीद करते हैं कि ला तत्तबियू खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। फिर यहाँ कह रहे हैं शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको दुश्मन ही समझो। फिर एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान जो है वो तुम्हारा अदू मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इस बात को हमने समझना होगा कि शैतान से हमारी दुश्मनी है और उससे हमको बचना है। शैतान अपने मकसद को हासिल करने के लिए, कौन सा मकसद? कि वो गुमराह करे लोगों को और अपने साथ जहन्नुम में ले जाए। इस मकसद के लिए वो क्या करता है? वो इंसानों को गुमराह करने के अलग अलग जरिए ढूंढता है। इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि शैतानी हथकंडों से अपने नफ्स के तहफ्फुज़ का जल्द अज़ जल्द सामान करे। इंसान शैतान के शर से उसी वक्त महफूज रह सकता है जब वो इन रास्तों और गुजरगाहों से पूरी तरह वाकिफ हो जिनसे शैतान दाखिल होता है। इसी तरह उन रास्तों की निगरानी करके और शैतान चोरी छुपे जिन रास्तों से दाखिल होता है उनकी हिफाजत करके इंसान अपने आप को शैतान के शर से महफूज रख सकता है। जैसे कि सूरह एराफ की आयत नंबर 16 और 17 में अल्लाह सुबहानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलऊन किया है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर उनके आगे से पीछे से दाएं से और बाएं से आऊंगा और तू उनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अब यहाँ देखें कि शैतान क्या कह रहा है अल्लाह ताला से कि जब अल्लाह ने उसको मलऊन करार दिया तो फिर शैतान कहता है कि तूने तो मुझको मलऊन किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर यानी वो सिराते मुस्तकीम पर बैठा हुआ है और उसका मकसद ये है कि वो हम इंसानों को गुमराह करे। और वो बैठ कर गुमराह कैसे कर रहा है? वो कह रहा है कि वो उन लोगों के सिराते मुस्तकीम वाले रास्ते पर बैठेगा और फिर उनके आगे से पीछे से दाएं से और बाएं से आएगा, यानी अटैक फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। वो आगे से आएगा, पीछे की तरफ से आएगा, राइट साइड की तरफ से आएगा, लेफ्ट साइड की तरफ से आएगा और वो इस तरह से गुमराह करेगा जो इस सूरह की आयत नंबर 17 में उनको पता चल रहा है कि और तू उनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यानी वो इस तरह से चारों तरफ से अटैक करके उसका मकसद क्या होगा कि वो नाशुक्रा बनाए हम लोगों को। ठीक, तो अब ये जब अटैक हो रहा है और इसका जिक्र हमको ये कुरान में मिल रहा है, हम बाकायदा दलीलों के साथ देख रहे हैं, तो क्या ये सब पर शैतान की इन चालों का असर हो जाता है? ये चालें क्या बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं? आए इसको हम देखते हैं। सूरह नीसा आयत नंबर 76 अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, सो तुम इन शैतान के दोस्तों से खूब जंग करो, यकीनन शैतान की चाल कमज़ोर होती है। तो इस आयत से ये पता चला कि शैतान की ये जो चालें हैं ये बहुत कमज़ोर होती हैं, शैतान की जो टैक्टिक्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। तो अब एक मोमिन को क्या हथियार फिर लेना होगा, भले ही उसकी टैक्टिक्स वीक हैं बट वो फेस कैसे करेगा, शैतान की इन टैक्टिक्स को फेस कैसे करेगा? अल्लाह सुब्हानहु ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुहाफिज और पनाह देने वाला है। जब बंदे मोमिन अल्लाह की पनाह में चला जाता है तो वो उसको उसके दुश्मन के रहमो करम पे नहीं छोड़ता। जैसे सूरतुल इसरा आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहु ताला इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं। शैतान से क्या कहा जा रहा है? अल्लाह सुब्हानहु ताला कह रहे हैं कि जो मेरे खास बंदे हैं, जो मेरे नेक बंदे हैं, उन पर तेरा कोई जोर नहीं और ए पैगंबर तुम्हारा परवरदिगार कारसाज है। अल्लाह सुब्हानहु ताला यहाँ कह रहे हैं वकफा बिरब्बिका वकीला, तो अल्लाह सुब्हानहु ताला किसका वकील होगा? जो नेक बंदे होंगे। दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहु ताला इरशाद फरमाते हैं सूरतुन्नहल आयत नंबर 99,
जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर शैतान का कुछ जोर नहीं चलता। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप को मोमिनों में शुमार करने के लिए अपने ईमान को मुकम्मल खालिस करना होगा। दूसरा, यहाँ जो कहा गया तवक्कुल के बारे में, तो हमको सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना है। तो इससे क्या होगा, हमारे ईमान और तवक्कुल की वजह से शैतान का कोई जोर हम पर नहीं चलेगा इंशाल्लाह। अब मोमिन बंदा इस तरह से कोशिश तो करता है, लेकिन जब बंदे मोमिन शैतान के मकरो फरेब को ख़त्म करने के असबाब और ज़राए को इख्तियार करने के बावजूद भी इसके हमले से महफूज नहीं रहता, ऐसा वक्त होता है जब वो गफलत की हालत में होता है, यानी वो उन असबाब को ठीक तरह से इख्तियार नहीं किया हुआ होता है, या कह दें कि वो गफलत की हालत में होता है, उसने उन ज़रियों को छोड़ दिया होता है, तो उस वक्त उस पर शैतानी वसवसे और ख्यालात छाने लगते हैं। सूरह एराफ की आयत नंबर 201 में अल्लाह सुभानहू ताला कहते हैं, जो लोग परहेजगार हैं जब उनके अंदर कोई शैतानी वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोल कर देखने लगते हैं। तो ज़रूरत है कि अगर हमने गफलत बरती है तो जब भी हमको शैतानी वसवसे आएं तो फौरन हमने क्या करना है, अपने दिल की आंखों को खोल देना है और फिर देखना है। इसको हम इमाम गजाली रहमुल्ला के एक कॉल से समझने की कोशिश करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, दिल एक किले की तरह है, शैतान हमारा दुश्मन है जो इस किले में दाखिल होना चाहता है ताकि इस किले पर कब्ज़ा जमा ले। जो शख्स इस किले के दरवाज़ों से लाइल्म होता है वो उसकी निगरानी नहीं कर पाता, इसलिए शैतान के वसवसों से दिल को बचाना ज़रूरी है। तो यहाँ एक बात जो हमने समझनी है वो ये कि हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट जो है, वो एक फोर्ट की तरह है और शैतान ये चाहता है कि वो इस फोर्ट में जो है वो एंट्री ले ले। अब इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो फोर्ट है, हमारा जो हार्ट है, इसके एंट्री पॉइंट्स कहाँ हैं। अगर एंट्री पॉइंट्स हमको पता चलेंगे तो हम बराबर से वहाँ प्रोटेक्शन या अपने आप को गार्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि शैतान एंट्री नहीं लेगा और इस तरह के वसवसों का शिकार हम नहीं होंगे। शैतान के हथकंडों से वाकफियत हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान और शैतान के दरमियान जो ये दुश्मनी है, इसकी बुनियाद, ये फाउंडेशन, ये कहाँ से शुरू हुआ? जैसे कुरान में बहुत जगह इसका जिक्र है, सूरतुल कहफ आयत नंबर 50 में अल्लाह सुभानहू ताला इरशाद फरमाते हैं, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। वो जिनों में से था, उसने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की, क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है, जालिमों के लिए बुरा बदला है। तो यहाँ अल्लाह ताला सबसे पहले तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, चूंकि इबलीस फरिश्तों के साथ रहा करता था तो हुक्म उसके लिए भी था, फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया लेकिन इबलीस ने जो है वो अल्लाह का हुक्म नहीं माना। फिर अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, तुम शैतान को और शैतान की औलादों को अपना दोस्त बनाते हो। हालांकि अल्लाह ताला ने तो हमको कुरान में बहुत जगह बता दिया कि शैतान हमारा दुश्मन है, इसलिए अल्लाह ताला ये कहते हुए इस आयत को ख़त्म करते हैं, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है, जालिमों के लिए बुरा बदला है। यानी अगर तुम शैतान को दोस्त बनाते हो बजाय ये समझने के कि वो हमारा दुश्मन है, तो फिर बुरा बदला अल्लाह की तरफ से मिलने वाला है, ये जान लें। सूरतुल नहल की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला का इरशाद है, उसका ज़ोर यानी शैतान का ज़ोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको दोस्त बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। यानी वो जब हम शैतान को दोस्त बना देते हैं तो फिर वो
हमको वसवसों में मुब्तिला करता है, यहाँ तक के वो हमको शिर्क करने पर उभारता है। तो जो शख्स सिर्फ अपनी ख्वाहिश के बिना पर गुमराही के रास्ते पर चलता है, उसने अपनी लगाम को गोया शैतान के हवाले कर दिया। अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो अपना कंट्रोल बटन उसने शैतान को दे दिया और अपनी पसंद से शैतान को अपने ऊपर हाकिम मुकरर कर दिया। जबकि अल्लाह ताला शैतान की बात नकल करते हुए कुरान की सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 में बताते हैं कि कयामत के दिन क्या होगा। शैतान ये कहेगा कि मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था, हाँ मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने मेरा कहना मान लिया, तो आज मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप ही को मलामत करो। यानी शैतान कयामत के दिन आकर के क्या कहेगा, जो लोग उसके गुमराही वाले रास्तों में, उसके बातों में और उसके वसवसों में चले गए, तो शैतान उनको क्या कहेगा कि मैंने तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, हाँ बस मैंने क्या किया था, तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया, अब मैंने बुलाया तो तुम आए क्यों, तुमने मेरा कहना माना तो तुम मुझे मलामत मत करो, तुमने मेरा कहना माना है, तुम्हारे करने की वजह से आज तुम इस मकाम पर हो, तुमको अगर मलामत करनी ही है, बुरा भला बोलना ही है तो अपने आप को बोलो। तो देखें आप कि शैतान गुमराह भी कर रहा है और कयामत के दिन इस तरह का जवाब भी हमको देने वाला है। सही अहदीस से साबित है कि हर इंसान का सरकश शयातीन में से एक हमजाद होता है जो हर जगह और हर वक्त उसके साथ लगा रहता है। इंसान से उसकी दुश्मनी साबित शुदा है, वो इंसान को सिर्फ बुराई का हुक्म देता है, अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत से मायूस करता है, वो हर वक्त इंसान को गुमराह करने की ताक में लगा रहता है। सही मुस्लिम की एक हदीस में हमको मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक के साथ जिन्नों में से इसका एक साथी मुकर्रर कर दिया गया है। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? तो फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके खिलाफ मेरी मदद की तो मैं इसके शर से महफूज हो गया, इसलिए अब वो मुझको सिर्फ भलाई का हुक्म देता है। तो इस हदीस से ये पता चला कि शैतान हमारे साथ लगा है और वो हमेशा हमारे साथ लगा हुआ रहता है, वो इस ताक में होता है कि किस तरह से हमको गुमराह करे, वो हमको बुराई का हुक्म देने पर तुला हुआ है। अब हमको हमारा सेल्फ कंट्रोल वाला बटन जो है वो उसको न देते हुए, अपने कंट्रोल में रखते हुए, उसकी बात न मानते हुए, उसकी गुमराही की बातों को गलत समझते हुए सही रास्ते पे अगर हम रहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भलाई के रास्ते पर ही रहेंगे। आइए देखते हैं हम के शैतानी हथकंडे या शैतान की चालें कौन सी हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे वो है जहालत। शैतान के पास बहुत से ऐसे हथकंडे और पुरपेच तरीके हैं जो कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर लोगों की निगाहों से ओझल रहते हैं, इसलिए इन शैतानी हथकंडों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जहाँ तक जहालत की बात है तो ये एक अहम रास्ता और अजीम दरवाज़ा है जिसके ज़रिए शैतान जाहिल इंसान पर हमलावर होता है, उसकी इबादत और अकीदे को ख़राब कर देता है और उसके दीन को मुश्तबा बना देता है, इसलिए वो शुभहात और बिदआत में मुब्तिला हो जाता है। इसीलिए एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो जानकार हो, वो इल्म रखे, वो जहालत की हालत में ना रहे, ताकि वो अल्लाह की नाजिल करदा हुदूद को समझ सके और शैतान के मकर व फरेब और उसके हथकंडों से अपने आप को महफूज रख सके। शैतान बंदे मोमिन के दिल में जो शकूक व शुभहात पैदा करता है उनकी तरफ ध्यान देने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और कहता है कि उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया, यहाँ तक कि ये भी कह देता है कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। इसलिए
जब किसी के दिल में ये वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह तलब करे और उस ख्याल से बाज आ जाए। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है ये। इसी चीज़ को अल्लाह सुबहानहू ताला ने सूरतुल आराफ़ की आयत नंबर 200 में बताया है कि अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह तलब करो, बेशक वो सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा शैतानी हथकंडा जिसको हम समझेंगे वो है गुस्सा। ये शैतान के दरवाज़ों में से एक अहम और कुशादा दरवाज़ा है। गुस्से के वक्त इंसान पर ऐसी हालत और कैफियत तारी होती है जिसमें उसकी अकल ज़ायल हो जाती है। गुस्से की हालत में उसको अपने जज्बात और हवास पर काबू नहीं रहता, अपनी संजीदगी और अपने नफ्स पर कंट्रोल खो देता है इंसान। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल करे। क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये गुस्सा शैतान की तरफ से, ये शैतान के चोर दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, और अगर ये शैतान की तरफ से गुस्सा है तो फौरन से हमको अपने आप पर कंट्रोल कर लेना है, वरना गुस्से की हालत में हम देखते हैं लोगों के चेहरे का हाव भाव, चेहरे का रंग सब कुछ बदल जाता है। कि इंसान अगर खुद अपने आप को गुस्से की हालत में देखे तो अपने आप को पहचानने से इनकार करे आईने में। अब सवाल ये उठता है कि इस गुस्से का इलाज क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज हमको बताया है। बुखारी की एक हदीस में हमको मिलता है कि गुस्से का इलाज और उसको ठंडा करना उस चीज़ के ज़रिए मुमकिन है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। सुलेमान रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमियों ने एक दूसरे को सख्त सुस्त कहा, एक दूसरे के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। उनमें से एक गुस्से में आ गया, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी गर्दन की रगें फूल गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जानिब देखकर फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर ये इसको कह दे तो इसका गुस्सा ठंडा पड़ जाए। वो कलमा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहीं तीसरी जो शैतान की चाल जिसके ज़रिए से जो है वो हमको दुनिया से बहुत ज़्यादा अटैच कर देता है, वो है दुनिया से मोहब्बत। शैतान ने अक्सर लोगों के दिलों में दुनिया को मज़ैन करके, दुनिया को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करके बिठा दिया है, इसलिए लोग उसकी तरफ पूरी तरह मायल हो गए। सिर्फ दुनिया दुनिया की सोच, उससे रजामंद हो गए और उसको मजबूती से पकड़ लिया, उसी के बारे में एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। यानी आपस की जो दुश्मनी भी है वो भी सिर्फ दुनिया के लिए, दुनिया के मुख्तलिफ मामलात की वजह से दुश्मनी, आपस में लड़ाई झगड़ा, उसकी वजह से एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, एक दूसरे से हसद करने लग जाते हैं। गोया इब्लीस ने इनके बारे में अपना गुमान सच कर दिखाया है, क्योंकि इब्लीस ने जो बात कही थी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरतुल हिजर की आयत नंबर 39 में इसका ज़िक्र किया है कि इब्लीस ने कहा था, मैं ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊँगा और सबको बहकाऊँगा। क्या कहा था इब्लीस ने कि इस ज़मीन में, मैं इस दुनिया में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा। गुनाह का रास्ता, गुनाह पर अमल करना बिल्कुल आसान, और इस तरह से मैं सबको बहकाऊंगा। जबकि अगर लोग दुनिया की हकीकत को जान लें तो इसको कोई अहमियत नहीं देंगे, इस दुनिया को और दुनिया की ज़िंदगी को कोई अहमियत नहीं देंगे, और ना ही उनके दिलों में इसका कोई मुकाम रह जाएगा। अल्लाह ताला दुनिया की हैसियत और इसकी हकीकत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, खूब जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 20 की शुरुआत इसी से होती है। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि खूब जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है, महज खेल तमाशा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से हमको एक हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाज़ार से गुजरे, सहाबा इकराम दोनों पहलू में चल रहे थे, उनके साथ में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम भी चल रहे थे। आपका गुजर छोटे कान वाले एक बकरी के बच्चे पर हुआ
जो मुर्दा पड़ा था, यानी ये लोग चल रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, साथ में सहाबे इकराम थे, कि वो क्या देखते हैं कि रास्ते में एक बकरी का बच्चा मुर्दा पड़ा है और वो ऐब ज़दा था, उसके कान छोटे थे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक तो वो बकरी का बच्चा है, दूसरा हम देख रहे हैं कि वो मुर्दा पड़ा है, तीसरा हम देख रहे हैं कि वो ऐब ज़दा है। आपने उसका कान पकड़ के कहा, तुम में से कौन इसको एक दिरहम में ख़रीदना पसंद करेगा? सहाबे कराम ने कहा, हम किसी भी चीज़ के अवज़ इसको ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। हम क्यों इसको ख़रीदें कि ये मुर्दा बकरी का बच्चा, वो भी ऐब ज़दा, हम इसको लेकर क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम पसंद करोगे कि ये तुम्हारा ही हो? सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर ये ज़िंदा होता तब भी ये ऐबदार होता, क्योंकि ये छोटे कान वाला है, अब जबकि ये मुर्दा है तो कौन इसको लेना पसंद करेगा? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया इससे भी ज़्यादा हकीर और कम माया है जितना कि तुम्हारे नज़दीक बकरी का ये बच्चा। आप समझें इस हदीस को कि एक तो वो बकरी का बच्चा है, दूसरा वो मुर्दा है, तीसरा वो ऐब ज़दा है, उसको सभी ने लेने से इनकार कर दिया, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके नज़दीक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये जो पूरी के पूरी दुनिया है, इसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा हकीर, इससे भी ज़्यादा कम है जो तुम्हारे नज़दीक इस मरे हुए ऐब ज़दा बकरी के बच्चे की। क्या हम इस तरह से समझते हैं दुनिया को कि अल्लाह ताला कह रहे हैं दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से कंपेयर करके हमको बता रहे हैं? एक और हदीस के ज़रिए से हम समझेंगे कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये कितनी कमतर है, ये कितनी कम दर्जे की वैल्यू रखती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत ऐसी ही है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डाले और फिर वापस निकाल करके देखे कि इसमें कितना पानी लगा है। आप अपनी उंगली को चाहे एक जग पानी में डालें या समंदर के पानी में डालें, जब आप डुबो करके निकालेंगे तो मुश्किल से एक कतरा पानी उसके साथ में आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेयर कर रहे हैं कि समंदर में अगर आपने उस उंगली को डुबो करके निकाला तो वो जो वन ड्रॉप ऑफ वाटर आपकी फिंगर्स पे आ गया है, सिर्फ और सिर्फ वही दुनिया की ज़िंदगी कंपेयर टू आखिरत की ज़िंदगी, कि वो पूरा का पूरा जो समंदर है उसमें कितने ड्रॉप्स हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते उन ड्रॉपलेट्स को। तो वो पूरी के पूरी ज़िंदगी आखिरत की, और उसके कंपैरिजन में दुनिया की ज़िंदगी जस्ट वन ड्रॉप। अपने आप से पूछना होगा हमको कि हम क्या अनलिमिटेड उन ड्रॉप्स के लिए, वो समंदर जैसी आखिरत की ज़िंदगी के लिए मेहनत कर रहे हैं, या सिर्फ वन ड्रॉप ऑफ वाटर जो इस दुनिया की ज़िंदगी है उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पूछें अपने आप से, जवाब लें इस हदीस के हिसाब से, अपने आप को करेक्ट करें, क्योंकि अगर इस्लाह नहीं करेंगे, अपना सेल्फ करेक्शन नहीं करेंगे तो खसारे में हम ही रहने वाले हैं। सहीहैन में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो न कभी किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुना, और न ही किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल पैदा हुआ। इसकी तस्दीक किताबुल्लाह की इस आयत से होती है, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा की आयत नंबर 17 बयान करते हैं कि कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आँख की ठंडक छुपा कर रखी गई है, ये उनके आमाल का सिला है जो वो करते थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर वाकई आप दुनिया की हकीकत को जानकर उस मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार करके जाओगे तो अल्लाह ताला ने जो जन्नत तैयार कर रखी है अपने नेक बंदों के लिए वो कैसी है? अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है जो न कभी किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुना, और न ही किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक पैदा हो। तो आप देखें, ऐसी बेहतरीन जन्नत अल्लाह सुभानहु ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी है। और फिर कहते हैं कि इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह सजदा की इस आयत में कहा है
कि कोई भी ये नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कैसी आँख की ठंडक छुपा कर रखी है, और ये किसको मिलेगी, ये उनके आमाल का सिला है जो वो करते थे। तो जो नेक अमल करके जाएंगे उनको ज़रूर वो अल्लाह की जन्नत मिलेगी। वहीं जो है चौथी शैतान की चाल वो है तकब्बुर, गुरूर, घमंड। तकब्बुर का मतलब ये है कि लोगों को हकीर समझा जाए और हक का इनकार किया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही मुस्लिम की हदीस, तकब्बुर ये है कि हक बात को कबूल न किया जाए और लोगों को हकीर समझा जाए। तकब्बुर शैतानी हथकंडों में से एक बड़ा हथकंडा है। इसी के ज़रिए शैतान इंसान को गुमराह करता है और उसको हक का इनकार करने, जो सच है उसको फिर वो मानने से मना कर देता है और बातिल से चिमटे रहने पर उभारता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को तकब्बुर से बचने का हुक्म दिया। सूरतुल आराफ आयत नंबर 146 में अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ज़मीन में नाहक गुरूर करते हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। तो यहाँ पर जो है वो शैतान ने क्या कहा कि जो लोग ज़मीन में नाहक गुरूर करते हैं, तो यहाँ शैतान जो है ये गुरूर करने पर उकसाता है और फिर उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। तो अल्लाह न करे कि हमारे साथ ऐसा मामला हो, हम गुरूर, घमंड, तकब्बुर जो है इससे दूर रखें अपने आप को। अल्लाह सुभानहु तआला सूरह गाफिर की आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। यानी हर वो इंसान जो तकब्बुर करता है, जो गुरूर घमंड में मुब्तिला हो जाता है, तो फिर अल्लाह सुभानहु तआला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं, यानी उसके हार्ट को जो है वो सील कर देते हैं। और जब हार्ट सील हो गया तो फिर अंदर कोई अच्छी बात, अल्लाह ताला की बात, हक बात जाएगी ही नहीं और फिर वो नेक अमल करेगा नहीं। वहीं मुतफकुन अलैह हदीस से हमको पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको जहन्नुमियों के बारे में ना बताऊं, यानी कि जहन्नुमी कौन लोग होंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर सख्त गो, सख्त मिजाज के जो लोग होते हैं वो, उसी तरह से अकड़ कर चलने वाले और तकब्बुर करने वाले जहन्नुमी हैं। तो अगर हमको जन्नत चाहिए, और वाकई हमको जन्नत चाहिए, इसीलिए तो हमारी ये सारी नमाजें हैं, हमारे रोज़े हैं, हमारी सारी नेकियां हैं, तो हमको नरमी अपनानी होगी, सख्त मिजाजी से बचना होगा। उसी तरह से अकड़ वाली चाल ना हो, गुरूर, घमंड, तकब्बुर से हम दूर रखें अपने आप को। क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरु बिन आस रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम में झोंक देगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर, बहुत ज़्यादा तकब्बुर की बात भी नहीं हो रही है। राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर अगर होगा तो वो जन्नत में नहीं जाने वाला है, उसको जहन्नुम में डाला जाएगा। तो अगर आज फौरन अपने आप को चेक करें, सेल्फ चेक, बार बार जो है वो सेल्फ इवैल्यूएशन मस्ट है अगर हमको जन्नत में जाना है। तो इस सेल्फ चेक के ज़रिए ऑब्ज़र्व करें, अगर थोड़ा सा भी किसी भी बात में हमको घमंड हो तो उसको निकाल करके फेंकें अगर हमको जन्नत में जाना है। इस गुरूर, घमंड, तकब्बुर की मुख्तलिफ़ किस्में बताई जाती हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माल और दौलत पर फ़ख्र करते हैं, हालांकि ये माल और दौलत जिस पर वो फ़ख्र कर रहे हैं वो दिया किसने है उनको, वो अल्लाह ताला ने दिया है। अगर उनको ये मालूम हो जाए कि उनके पास जो माल है वो अल्लाह का दिया हुआ है और वो भी शायद कुछ दिनों के लिए आरजी हो, वो अल्लाह ताला किसी भी वक्त और किसी भी वजह से जिस माल और दौलत पर वो फ़ख्र कर रहे हैं उसको वापस ले सकता है, तो ये किस तरह का गुरूर और घमंड है? किस बात पर आपको गुरूर घमंड है? एक गरीब के सामने आप घमंड कर रहे हैं अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, हालांकि उसी अल्लाह ने उसको गरीब बनाया और उसी अल्लाह ने आपको दौलत दी ताकि वो आपको आजमाए कि आप गरीब की मदद कर रहे हैं या नहीं। तो बजाय इसके आप घमंड करें, आप दूसरों की मदद करने वाले बने अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत अता की है।
वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इल्म के बिना पर तकब्बुर करते हैं। ऐसे लोगों को जाहिल कहना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि अगर वो शख्स आलिम होगा, अगर उसके पास इल्म होगा, चाहे वो मर्द औरत कोई भी हो, तो उस इल्म की वजह से उसमें जो है वो तवाज़े और खशियत पैदा होना ज़रूरी है। अगर ये पैदा नहीं हुई है तो फिर इसका इल्म नफा बख्श नहीं माना जाएगा। हम देखते हैं कि बाज़ लोगों के पास थोड़ा सा इल्म क्या आ जाता है, या बाज़ हम देखते हैं कि वर्ड टू वर्ड क्लास अटेंड करने लग जाते हैं और फिर उनको कुरान का इल्म हो जाता है, और मैंने कुछ लोगों को देखा कि फिर जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है कि पूरा कुरान अब हमने समझ लिया है, तो फिर एक अजीब सा उनका बोलने का अंदाज़, हर बात में गुरूर और घमंड झलकता है, और फिर दूसरों में ज़्यादा नुक्स निकालने वाले बन जाते हैं, अब जो उनको इल्म आ गया है उसकी बिना पर। होना तो क्या चाहिए था? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, उसी अल्लाह की तारीफ़ के जिसने, उसके इज़्न से आपने ये सारी के सारी तालीम को मुकम्मल किया, कुरान का जो थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है। फिर वो हदीस हमको याद रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत भी पता है तो दूसरों तक पहुँचाइए। अगर आपने कुरान की सभी आयतों को वर्ड टू वर्ड समझ लिया है तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को बताएं, दूसरों तक पहुंचाएं। तो अंदाज़ कैसा हो आपका? फिर आपका अंदाज़ नरमी वाला हो। एक दाई हमेशा ऐसे ही अंदाज़ में दावत देता है, पुकारता है, बुलाता है अल्लाह की तरफ, उसकी बात की तरफ, उसके कुरान की तरफ, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ। तो सेल्फ चेक ज़रूरी, अगर आपके पास थोड़ा सा इल्म अल्लाह ने दिया है तो उसकी वजह से कहीं आप गुरूर और घमंड में तो मुब्तिला नहीं हैं, अगर हैं तो फौरन निकाल करके फेंक दें, अपने आप से अलग कर दें उसको। पांचवा चोर दरवाज़ा हम देखते हैं शैतान का, और वो है रियाकारी, दिखावा जिसको हम कहते हैं, शो ऑफ। शैतान जिन दरवाज़ों के ज़रिए इंसान के दिल में दाखिल होता है उनमें रियाकारी एक कुशादा दरवाज़े की हैसियत रखती है। इसीलिए एक मुसलमान जो अपने अमल में अल्लाह के लिए इखलास पैदा करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने दिल पर नज़र डाले कि मैं ये जो भी काम करती हूँ इसमें कहीं दिखावा तो नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ है वो शिर्क असगर है। सहाबे इकराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रियाकारी। कयामत के दिन जब लोगों को उनके आमाल का बदला दिया जाएगा तो अल्लाह ताला रियाकारों से फरमाएगा, उन लोगों के पास जाओ जिनको दिखाने के लिए तुम दुनिया में अमल करते थे, देखो क्या वहाँ पर तुमको कोई बदला मिलता है। यानी पूरा का पूरा हमारा जो अमल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो खालिस नीयत ये हो कि मैं ये अमल कर रही हूँ इसलिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। अगर वहीं नीयत ये हो कि लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं, तो यहाँ सारा मामला फिर गड़बड़ हो गया। इस हदीस के हिसाब से हमको ये बात समझ आ रही है कि फिर कयामत के दिन ऐसे शो ऑफ करने वाले लोगों को क्या कहेगा कि तुम्हारा ये अमल मेरे लिए तो नहीं था, तुम जाओ और जिन लोगों को दिखाने के लिए, जिन लोगों को प्लीज़ करने के लिए तुम ये अमल करते थे, चाहे वो कोई भी अमल हो, चाहे वो आपकी तकरीर हो, चाहे आपका सदका खैरात हो, चाहे आपकी वो तहज्जुद हो, या कोई भी अमल हो, अगर आपने किसी को दिखाने के लिए किया है तो फिर उसके बदले में अल्लाह ताला क्या कहेगा कि जाओ जिनको दिखाने के लिए तुमने ये दुनिया में अमल किया था उन्हीं को दिखाओ, देखो तुमको उसका कुछ अजर मिलता है क्या। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई अजर देने वाला नहीं है हमको। मुस्नद अहमद की हदीस थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इबादत में भी रियाकारी करते हैं, कुछ लोग अपने अमल में रियाकारी करते हैं, और कुछ लोग अपने इल्म में रियाकारी करते हैं। इसी वजह से सलफ सालहीन जो थे वो अपने नेक आमाल को सह गए राज में रखते थे, वो लोगों के साथ सामने जाहिर नहीं करते थे। वो हदीस जिसमें तीन लोगों का वाकया बयान किया गया है जिनको कयामत के रोज़ मुँह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और उनसे जहन्नुम को भड़काया जाएगा,
उनमें एक रियाकार यानी दिखावा करने वाला शहीद होगा, दूसरा रियाकारी के मकसद से फयाजी और सखावत का मुजाहरा करने वाला, यानी लोगों की अगर मदद कर रहे हैं, लोगों को आप अगर कुछ सदका खैरात कर रहे हैं तो अगर उसमें दिखावा है तो हमको ज़रूरत है इस हदीस के हिसाब से अपने आप को बदलने की, और तीसरा वो शख्स होगा जो रियाकारी की गज से दुनिया में कुरान पढ़ता था। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि शहीद तक को जो है वो उसकी पकड़ अल्लाह ताला के यहाँ पर होने वाली है अगर उसकी नीयत में ये खोट हो कि वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। छठी शैतान की जो टैक्टिक्स है उसको हम देखेंगे और वो है खुद पसंदी, हमेशा मैं करते रहना, है ना। हम कुछ लोग देखते हैं जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होते हैं। खुद पसंदी ये है कि इंसान अपने अमल को बहुत बड़ा समझे, उसका एहसान जताए और उसको बहुत ज़्यादा ख्याल करे और इस बात को भूल जाए कि उस नेक अमल की तौफीक देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर अल्लाह तौफीक नहीं देता तो वो नेक अमल नहीं करता जिस पर कि वो अकड़ रहा है। ये एक तबाहकुन मुहल्लिक और हलाकत खेज बीमारी है, अमल को ज़ाया करने वाली बीमारी है ये, कि आप जो है वो किसी के साथ में अगर आपने भलाई भी की है तो आप ये समझें कि वो सामने वाला एहसान जतलाए। फिर जो शख्स खुद पसंद हो और वो ये चाहता हो कि वो उसकी खुद पसंदी को ख़त्म करे, तो उलमा इकराम ने बताया कि उसको इन चार बातों पर अमल करना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात है कि इस बात को जहन में रखे कि नेक अमल की तौफीक देना सिर्फ अल्लाह का काम है। जब उसको इस बात का एहसास होगा कि किसी अमल की तौफीक सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है तो फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने में मशगूल हो जाएगा और अपनी ज़ात और अमल पर जो है वो अकड़ने से बचेगा। दूसरा, अल्लाह ताला ने उसको जो बेशुमार नेमतें अता की है वो उन पर नज़र डाले। जब वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर नज़र डालेगा तो उसका शुक्र करने में मशगूल हो जाएगा और अपने अमल को कम समझने लगेगा कि अल्लाह ने तो मुझे बेशुमार नेमतें दी है, तो उनका शुक्र करने में लग जाएगा तो वो जो अमल उसने किया है जिस पर वो अकड़ रहा है उसको वो कम समझेगा और उस पर अकड़ेगा नहीं। तीसरा, इस बात का खौफ रखे कि हो सकता है अल्लाह के नज़दीक उसका ये अमल कबूल ना हुआ हो, और अगर कबूल ना हुआ हो तो फिर उसको बहुत ज़्यादा समझने की सोचने की ज़रूरत है। जब उसको अपने अमल की कबूलियत नहीं होगी इसका खौफ हो जाएगा तो वो कभी अपने अमल पर अकड़ेगा नहीं बल्कि वो हर अमल में अपने इखलास को प्योरिटी को ले आएगा। चौथी चीज़, उसने अब से पहले जो भी गुनाह किया है उन पर वो नज़र डाले, है ना। हम में से हर एक को पता होता है कि उसने क्या गुनाह किए हैं, तो अगर उन पर नज़र डाली जाए तो उसके अंदर उस बात का खौफ पैदा होगा कि उसके बुरे आमाल का पड़ा नेक आमाल से वज़नी हो सकता है, तो इस वक्त उसकी खुद पसंदी कम हो जाएगी और वो क्या करेगा फिर ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल की तरफ और अपने बुरे आमाल के सिलसिले में अल्लाह से तौबा की तरफ लपकेगा। सातवां जो शैतान का हथकंडा जो हम देखने जा रहे हैं वो होता है घबराहट में मुब्तिला करना, मायूसी, परेशानी, बेचैनी, बेताबी, बेसब्री, डर, खौफ, जज़ा और फ़िज़ा, ये सब जो है वो शैतान की तरफ से होता है। ये सब शैतान की सवारियों में से है जिन पर सवार करके वो इंसान को वहम व गुमान के समंदर में पहुंचा देता है और उसको हैरत, अफसोस और रंज व गम के भंवर में डालकर छोड़ देता है। जहाँ तक मोमिन की बात है तो वो सब्र की कश्ती पर सवार होकर मसायब जो भी मुश्किलें उसके साथ आती हैं उस वक्त समंदर में दाखिल होता है और वो सही सालिम तस्लीम व रज़ा के सरजमीन पर पहुँच जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 51, कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वही हमारा कारसाज है और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ जो हम समझ रहे हैं शैतान की जो सवारियाँ जिनका जिक्र हमने अभी देखा, घबराहट, मायूसी, परेशानी, बेचैनी, बेताबी, बेसब्री, डर, खौफ, जज़ा और फ़िज़ा किसे कहते हैं, शिकायत करना, कंप्लेंट बॉक्स बन जाना, ये सब शैतान की सवारियाँ।
और जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो इसी में लग जाते हैं, जबकि अगर कोई मुश्किल आई है तो हम बजाय इसके कि कंप्लेन बॉक्स बने, बजाय इसके कि बेसब्रे बने, बजाय इसके कि फलां की वजह से मुझे ऐसा हुआ, यह है ना बदगुमानी में शैतान जो हमको डाल देता है, तो सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि अगर कोई परेशानी कोई मुश्किल आई है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं आई है। जैसे इस आयत में हम देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुँच सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, अगर अल्लाह चाहेगा तो ही वो मुसीबत हम तक पहुँचेगी, वो हमारा कारसाज है और मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। ये मुश्किल आई है शायद अल्लाह मुझे आजमा रहा है, ये सोच करके बेसब्रे ना होते हुए, परेशान ना होते हुए, घबराहट और अल्लाह से मायूसी की तरफ ना जाते हुए, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए कि अल्लाह ही मेरे लिए बेहतरीन कारसाज है, और अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह से हमेशा जो है वो अच्छा गुमान रखते हुए जो परेशानी है उससे गुजरना है हमने। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को जो भी मुसीबत बीमारी रंज व गम तकलीफ़ और हजन व मलाल लाहक होता है, यहाँ तक के एक कांटा भी अगर चुभता है तो अल्लाह ताला इसके बदले में इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है ये। तो यहाँ हम देख रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि कोई मुसीबत अगर मुसलमान पर आती है, बीमारी आती है, वो रंज और गम में मुब्तिला होता है, तकलीफ़ में चला जाता है, उसको बाज़ औक़ात जो है वो परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में वो चला जाता है, यहाँ तक कि अगर एक कांटा भी उसको चुभता है तो अल्लाह ताला ये जो तकलीफ़ें उसको हुई हैं, ये इस तकलीफ़ें तो बहुत बड़ी जो हमने बात की ना, मुसीबत बीमारी रंज गम तकलीफ़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करना उसका, तो ये बड़ी मुश्किल है, यहाँ तक कि छोटा सा कांटा चुभता है वो थोड़ा जो दर्द होता है उसके बदले में भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो अगर परेशानी आई है तो पॉजिटिवली रहते हुए इस तरह से सोचें कि शायद अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर रहा है। आसा सलम का इरशाद है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको किसी मुसीबत में मुब्तिला करता है, बुखारी की हदीस है ये। तो शायद अल्लाह ने हमारे साथ भलाई का इरादा किया है और वो मुसीबत में मुब्तिला करके हमारे गुनाहों से जो है वो हमको निजात दिलाना चाहता है। तो इस तरह से सोचते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए हमने जो है वो बजाय इसके कि हम कंप्लेन बॉक्स बन जाएं, हम परेशानी घबराहट और मायूसी की तरफ जाएं, पॉजिटिवली रहते हुए अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है कंटेंट शुक्र अदा करते हुए शुक्रगुजारी के साथ में ज़िंदगी गुजारें, वरना नाशुक्रे होंगे और ये नाशुक्रा आपको शैतान बनाता है। ठीक, आठवीं जो हम शैतान की टैक्टिक देखेंगे वो है ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, हमारे जो डिज़ायर्स हमारी ख्वाहिशात होती हैं और उस पर फिर हम अमल करने लग जाते हैं। अल्लाह ताला ने जब इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिशात को पैदा किया तो उसके साथ ही उसकी अकल से भी उसको अकल से भी सरफराज किया ताकि अकल उसके लिए रहबर और रहनुमा हो। इसलिए अकलमंद वो शख्स है जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स में अपनी अकल को सालिस बनाता है, और उससे बढ़कर अकलमंद वो है जो अपनी अकल और ख्वाहिशात नफ्स में शरीयत को सालिस बनाता है, फिर वो शरीयत के बताए हुए रास्ते पर चलता है और शरीयत के नूर से रोशनी हासिल करता है। ठीक, तो हमको क्या करना है, इन नफसानी ख्वाहिशात में अपने आप को मुब्तिला करने की बजाय हमारे जो डिज़ायर्स हैं उनको चेक करते रहना है हमेशा कि ये जो ख्वाहिशात हैं क्या ये कुरान और हदीस के हिसाब से सही हैं। अगर नहीं हैं तो बजाय इसके कि लोग कर रहे हैं, बास डिज़ायर्स बास ख्वाहिशात हमें इसलिए आती है ना कि हाँ फलां को देख लिए कि उसने इस तरह से अमल किया था, कोई भी ज़िंदगी का मामला होता है खुशी वाला गमी वाला, और फिर ब्लाइंडली हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करें, हमने ये देखना है कि इस दुनियावी मामले में पर्टिकुलर मामले में जिसमें हम अपने सेल्फ डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ हमने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहु ताला ने कुरान में क्या कहा है उस बात के लिए, या हदीस हमसे क्या कहती है। अगर वो हमारी डिज़ायर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है तो फिर हम उस पर अमल ना करें, क्योंकि हम कौन है मुसलमान,
और ये जो रूट वर्ड मुसलमान सलम जहाँ से आया वो क्या है, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले करना, न ये कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ब्लाइंडली अमल करते हुए जाना और फिर अपने आप को जहन्नुम की तरफ ढकेल देना। अल्लाह सुभानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करो वरना ये बात तुम्हें अल्लाह की राह से बहका देगी, सूरह सौद की आयत नंबर 26 है ये। तो अल्लाह तो हमको वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से अमल मत करो। हम यूजुअली यही करते हैं, हमारी सोसाइटी में कोई कर रहा है, अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और फिर हम उसको करने लग जाते हैं। वो बस शैतान ने हमको उसको उस पर्टिकुलर अमल को ब्यूटीफाई करके बता दिया और हम उस पर ब्लाइंडली अमल कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला हमको बोल रहा है कि अपने ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल करो, उस पर अमल ना करो, उस नफ्स की पैरवी ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 40 और 41 में बताते हैं, लेकिन जो अपने रब के हुजूर जवाबदही के लिए खड़ा होने से डरता है और अपने आप को ख्वाहिश नफ्स की पैरवी से बाज रखता है तो जन्नत ही उसका ठिकाना होगा। सुभान अल्लाह। अब देखें कि जो इसके पहले वाली आयत हमने देखी कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अपने नफ्स पर अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी मत करो, ये तुमको अल्लाह के राह से बहकाएगी, वहीं ये दूसरी आयत में हम क्या देख रहे हैं कि जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात से बाज रहता है, उस पर अमल नहीं करता है, तो अल्लाह सुभान व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। इसलिए कि उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर अमल नहीं किया, क्योंकि वो ये जानता है कि उसको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, वो अल्लाह के सामने जवाब दे होना है, उसने कयामत आएगी, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, उसका वहाँ पे रजिस्टर खुलेगा, उसने क्या अच्छाइयाँ की हैं, उसने क्या बुराइयाँ की हैं, और उन बुराइयों में फिर नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ज़रूर आएगी। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाए रखता है। तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में दाखिल करेंगे। वहीं नौवीं टैक्टिक्स हम शैतान की देखेंगे और वो है बदगुमानी। बदगुमानी उन बुरे वसाइल व ज़राए में से है जिसको शैतान मोमिनों के दरमियान तफरीक, दुश्मनी और नफ़रत पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। किसी के भी मुतालिक जो है वो गलत अजम्पशंस हमारे दिल दिमाग में डाल देना, इसे कहते हैं बदगुमानी। तो हमने जो है वो हर मुमकिन कोशिश ये करना है कि बदगुमानी, आप समझे कि ये एक तरह की तोहमत ही है ना, कि किसी के भी बारे में नेगेटिव अजम्पशंस लेकर के चलना, आप कंफर्म भी नहीं है कि सामने वाला ने वैसा किया है या नहीं, मेरे साथ बुरा हुआ, अरे वो फलां उसने उसका मैंने सुबह सुबह मुंह देख लिया था, या इस तरह की जो है वो लोगों के बारे में नेगेटिव अजम्पशंस अपने साथ में रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बुरी बात है, और एक दूसरे की टोह में ना पड़ो, आपस में हसद ना करो, एक दूसरे से नफरत ना करो, एक दूसरे के पीछे ना पड़ो, अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन के रहो। तो ये बुखारी की हदीस में हमको पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बुरी बात है। और बदगुमानी की वजह से उमूमन ऐसा होता है ना कि नेगेटिव अजम्पशंस ही हैं, तो हम एक दूसरे की टोह में, एक दूसरे की किसके लिए CID बन जाते हैं और फिर जो है वो स्पाई करना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ों से हमने बचना है। आपस में हसद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से नफरत ना हो, एक दूसरे के पीछे ना पड़ो कि बस पीछे पड़े हैं उसकी टांग खींचते जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लम क्या बता रहे हैं हमको, अल्लाह के बंदे और एक दूसरे के भाई भाई बन के रहो। काश कि हम अपनी मुस्लिम सोसाइटीज़ में इन सारी बातों पर अमल करते। 10th टैक्टिक्स जो हम देखेंगे आज वो है गुनाहों को मामूली समझना। चाहे वो किसी भी किस्म का कोई गुनाह हो उसको मामूली नहीं समझेंगे, क्योंकि शैतान हो सकता है कि डायरेक्टली मेजर सिंस की तरफ हमको ना ले जाए, बड़े गुनाहों की तरफ, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोटे छोटे ग्रेजुअली छोटे छोटे गुनाहों के ज़रिए फिर वो बड़े गुनाहों का रास्ता खोल देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता यानी एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। अगर वो डरता है और अल्लाह से तौबा और
استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ، وہ جو بلیک اسپاٹ اس کے دل میں بن گیا تھا، وہ صاف ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے وہ. اور اگر وہ گناہ کا اعادہ کرتا ہے، یعنی وہ پھر سے جو ہے وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ ایک جو بلیک اسپاٹ تھا وہ تو پہلے ہے، ابھی اور اسپاٹس بننے لگ جاتے ہیں. اس طرح سے وہ گناہ کرتے جاتا ہے اور وہ بلیک اسپاٹس ایڈ ہوتے جاتے ہیں، اور اس یہاں تک کہ پھر وہ پورے دل پر وہ بلیک اسپاٹس چھا جاتے ہیں اور پورا دل مانو کہ بلیک ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت کلا بلرانا وہ تلاوت فرمائی کہ ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. تو گویا یہ جو چھوٹے چھوٹے برے اعمال جو اکساتا ہے شیطان ہم کو کرنے پر، تو اس سے وہ بلیک اسپاٹ بنتے بنتے گویا کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. تو جہاں ایک گناہ اگر ہم سے ہو جائے تو فوراً ہم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اللہ کی طرف توبہ پلٹنا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس حدیث کے حساب سے جو ہم کو سمجھ آ رہا ہے. اسی طرح 11th ٹیکٹک ہم دیکھیں گے کہ شیطان جس کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے، وہ ہے خوف و دہشت میں مبتلا کرنا. بعض دفعہ مومنوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے شیطان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 175، یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے دوست یعنی کفار کے جو لشکر ہیں، ٹھیک، تو وہ اپنے دوستوں سے جو ہے وہ ڈرا رہا ہے. تو اگر تم مومن ہو تو نہ اس سے یعنی کہ شیطان سے اور نہ اس کے دوستوں سے یعنی کفار سے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تم صرف مجھ سے ڈرو. اگر تم مومن ہو تو صرف تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، شیطان سے اور شیطان کے دوستوں یعنی کافروں سے نہ ڈرو. بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ غربت اور افلاس سے ڈراتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 268، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے. علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کو روک لو اور اس کو اللہ کی خوشنودی میں خرچ نہ کرو. اگر اللہ نے تم کو کچھ دے رکھا ہے، تم کو جو مال دے رکھا ہے، تم شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ اگر تم اس کو خرچ کر دو گے، تم اس کو اگر غریبوں کو ضرورت مندوں کو دو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا. تو اس طرح سے شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور اس کو اللہ کی خوشنودی میں خرچ نہ کرو ایسا کہتا ہے شیطان. مفلسی اور غربت کے خوف سے وہ تم کو خرچ کرنے سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی مخالفت میں فضول خرچی اور مال خرچ کرنے کی ضرورت کا احساس دلا کر وہ تم کو گناہ اور حرام کام کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی تمہارا جو مال ہے اس کو اگر تم غریبوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، تو وہ تم کو منع کرتا ہے کہ ارے کہیں تم مفلس نہ بن جاؤ گے، کہیں تمہیں مال کی کمی نہ ہو جائے، اس طرح سے وہ تم کو روک دیتا ہے. لیکن وہیں تمہارے اپنے مال کو وہ فضول خرچی کرنے پر اکساتا ہے. تو اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ حرام کام کرنے میں پیسے اگر خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر حلال طریقوں پر اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اس کو روک دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا اپنا جتنا مال خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا ثواب اس کو ملتا ہے. اس لیے مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے میں وہ ٹال مٹول سے کام نہ لے، اور ان شیطانی وسوسوں سے خوف زدہ اور متاثر نہ ہو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں.
और बुखल व कंजूसी पर उभारते हैं, यहाँ तक के फ़र्ज़ ज़कात को अदा करने से भी रोकते हैं। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में हमको वार्निंग दी है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 180 है ये। जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से माल अता किया है और वो उसमें बुखल करते हैं यानी कंजूसी करते हैं, वो ये ना समझें कि ये कंजूसी उनके हक में अच्छी है, बल्कि ये उनके लिए बहुत बुरी है। जो वो कंजूसी करते हैं, कयामत के दिन उनके गलों का तौक बनेगा, और आसमान और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही की है, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। तो इस आयत से पता ये चला कि जो लोग, जिनको अल्लाह ने माल अता किया है और माल अता करने के बावजूद वो कंजूसी करते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये कंजूसी करना उनके लिए अच्छा है, हालांकि ये बुरा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कंजूसी, ये बुखल करना बुरा है, और उन्होंने जो ये माल जमा कर रखा है और वो ज़रूरतमंदों को नहीं दे रहे हैं, तो यही माल कयामत के दिन उनके गलों में एक काइंड ऑफ नेकलेस डाल दिया जाएगा। और अल्लाह ताला फिर आगे कह रहे हैं कि आसमान और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही की है, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। तुम लोग, अल्लाह ने जो तुमको माल दिया है वो तुम कितना खैरात कर रहे हो, कितना जमा कर रहे हो, कितना कंजूसी से बचा के रख रहे हो, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जिसको माल दिया है और उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की, तो क़यामत के दिन उसका माल नहायत जहरीले गंजे सांप की शक्ल इख्तियार करेगा। उसकी आँखों के पास दो स्याह नुक्ते होंगे जैसे सांप के होते हैं। वो सांप अपने जबड़े से इसको डसेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की इस आयत को तिलावत फरमाया, कहा, जो लोग अल्लाह ताला के अता किए हुए माल व दौलत में कंजूसी करते हैं, वो हरगिज़ ये न समझें कि ये कंजूसी उनके हक में अच्छी है, बल्कि उनके लिए ये बहुत बुरी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुरान में भी और हदीस में भी जो है वो मना किया गया है कंजूसी से। तो हम कंजूसी करने से बचें, और अगर जो भी ज़कात निकलती है, हमारे जो माल अल्लाह ताला ने हमको अता किया है उस पर जो ज़कात निकलती है, तो वो ज़रूर अदा करें। उसी तरह से शैतान जो है वो बुराई इस तरह से पैदा करता है कि अगर कोई तकलीफ़, बीमारी आती है तो उससे जो है वो डराता है। वो बंदे पर वाजिब है कि वो तकदीर के खैर और शर पर ईमान रखें। बीमारी अगर आई है तो मेरी तकदीर में थी, इसलिए ये बीमारी मुझ तक पहुंची। इसी तरह इस बात का एतकाद रखें कि उसे जो मर्ज़ लाहक हुआ है उसका मकसद ये नहीं है कि उसको गुनाह में मुब्तला किया जाए। इसी तरह अगर किसी गलती व गुनाह का अगर उससे हुई है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह से इसको किसी बीमारी में मुब्तला किया जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह तौबा आयत नंबर 51, कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। तो ये बीमारी अगर पहुंची है हम तक, तो ये तकदीर का एक हिस्सा है, ये एक तकलीफ दह चीज़ है जो इंसान के जिस्म को लाहक होती है ना। अगर बीमारी में इंसान मुब्तला होता है तो तकलीफ में मुब्तला हो जाता है वो, तो वो इंसान के जिस्म को होती है, उसके दीन को, उसके रिलीजन को नहीं होती है वो तकलीफ़। ये समझना ज़रूरी, इसलिए मर्ज या तो गुनाहों को मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है वो जो भी आपको बीमारी हुई है वो, या दर्जात को बुलंद करने के लिए, या तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अल्लाह ताला आपका ट्रायल, आपकी आजमाइश, आपका इम्तिहान ले रहा है। इसलिए जब इंसान मर्ज की हालत में खौफ व दहशत, रंज व गम और जजा फजा यानी कंप्लेन बॉक्स का शिकार हो जाता है, तो अपनी ज़ात को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें वो डिप्रेशन में जा सकता है, मेंटल इलनेस उसको हो सकती है। तो इस से हमको ये समझ आ रहा है कि अगर कोई बीमारी हमको है तो ये समझें कि ये तकदीर का हिस्सा है, उसकी वजह से, फलां की वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ, इसको हटा दें। सबसे पहली बात ये कि ये तकदीर में मेरे लिख दिया गया था, मुझे हुआ। दुआ तकदीर को बदल सकती है, तो हाँ आप बिल्कुल दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला ही शिफा आपको अता करेगा। तो आपके मर्ज के लिए आपने दुआ अल्लाह ताला से करनी है। फिर अगली बात जो यहाँ समझने की वो ये
कि अल्लाह ताला हो सकता है मेरे गुनाहों को माफ़ करने के लिए इस तकलीफ़ में, इस मर्ज़ में, इस बीमारी में मुझे अल्लाह ताला ने मुब्तिला किया है, या हो सकता है कि अल्लाह मेरे दर्जात बुलंद करना चाहते हैं, या हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से ये बीमारी मेरे लिए आजमाइश है। तो अगर आजमाइश है तो फिर हम समझ रहे हैं कि हमको उस आजमाइश से गुजरने के लिए सब्र से काम लेना होगा, अल्लाह की तरफ पलटना होगा, अल्लाह से दुआ करनी होगी, न ये कि हम खौफ में मुब्तिला हो जाएं, हम रंज व गम की तरफ चले जाएं और बस हम शिकायत शिकायत लोगों से कंप्लेन करते रहें। नहीं, ये नहीं करना है हमने। हमें ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मोमिन को जो मुसीबत लाहक होती है वो उसके हक़ में बेहतर ही होती है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ताज्जुब है मोमिन के मामले पर, उसका हर मामला खैर पर मुश्तमिल होता है, ये शर्फ सिर्फ मोमिन ही को हासिल होता है। अगर उसको कोई खुशी हासिल होती है और वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसको कोई मुसीबत लाहक होती है और वो उस पर सब्र का मुजाहरा करता है तो उसके लिए बेहतर होता है। यानी अगर कोई खुशी मिली तो वो भी अल्लाह की तरफ से है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है मोमिन, और अगर उसको कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है तो उसमें वो सब्र करता है, और ये भी इस हदीस के हिसाब से आ रहा है कि ये भी उसके लिए बेहतर होता है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि मोमिन का मामला भी कितना अजीब है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में दो में से कोई एक सिचुएशन होती है, या तो खुशी का मामला होता है या परेशानी का होता है। खुशी में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं तो उस पर भी अजर, और मुश्किल का मामला होता है सब्र कर रहे हैं तो उस पर भी अजर। यानी हर हाल में मोमिन को अल्लाह की तरफ से जो है वो बेहतरीन अजर ही मिल रहा है। इसी तरह शैतान इंसान को मौत से डराता है। मौत मानी के लिहाज से रूह के जिस्म से अलग होने और दुनियावी जिंदगी से बरज़की जिंदगी की तरफ मुंतकिल होने का नाम है। मौत मतलब फना और नेस्तो नाबूद हो जाने का नाम नहीं है कि बस मौत आई और आप ख़त्म हो गए, नहीं, बल्कि आप इंतकाल कर गए, यानी एक जहां से दूसरे जहां में मुंतकिल हो गए, इस दुनिया से आलमे बरज़क में मुंतकिल हो गए। अब ये मुंतकिली या तो आराम व आसाइश की जानिब होगी, या जैसे कि जो मोमिन के लिए बताया गया है, या वो तकलीफ़ के लिए होगी जैसे कि फासिक और मुनकिर के लिए बताया गया है। इसकी रूह मुसीबत व अज़ाब में मुब्तिला होकर रहेगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह वाकिया आयत नंबर 88 से लेकर 94 में अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाते हैं, अगर वो अल्लाह के मुकर्रबीन में से होगा तो उसके लिए आराम और खुशबूदार फूल और नेमत के बाग हैं। यानी जब किसी इंसान को मौत आती है और अगर वो इंसान अल्लाह के मुकर्रबीन यानी वो नेक बंदों में से होगा तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने किस चीज़ का इंतज़ाम किया है? आराम का, खुशबूदार फूलों का, नेमतों के बागों का। अगर वो दाएं हाथ यानी अगर वो राइट साइड वाले लोगों में से है तो उसको कहा जाएगा कि तुझ पर दाएने हाथ वालों की तरफ से सलाम हो। तो आप देखें कि सलामती उसको मिलेगी, और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से होगा तो उसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफ़त है और उसको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। तो नेक लोगों के लिए किस तरह से वेलकम हो रहा है ये अल्लाह ताला यहाँ बता रहे सूरह वाकिया में, और जो फासिक और मुनकिर लोग होंगे तो उनके लिए जो झुटलाने वाले गुमराहों में से होंगे उनके लिए खौलते पानी के साथ जो है वो उनकी मेहमान नवाजी होगी और उनको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। तो ये जो मौत है इससे शैतान हमको डराता है। तो बजाय इसके कि मौत से हम डरें, इस आयत के हिसाब से अपनी तैयारी करें कि हमको अगर अच्छा वेलकम चाहिए तो हम शैतान की गुमराह करने वाली बातों में आने की बजाय अपने आप को सही रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर रखेंगे और गुमराही की रास्तों की तरफ अपने आप को नहीं मोड़ेंगे। तो मौत से डरने की बजाय हम इस असलियत को समझेंगे कि मौत दरअसल और किसी भी वक्त आनी है हमको, आ जाएगी, कल आएगी, किसी बीमारी से आएगी, अचानक आएगी, ठीक। तो हमको ये समझना है कि मौत जो है वो इस दुनिया से हमारा ट्रांसफ़र है सिर्फ,
ये हमारा खात्मा नहीं है, और फिर हम आलम बरज़क की तरफ जाएंगे और वहाँ हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी के हिसाब से हमको जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर हमने नेक अमल करके गए हैं तो जैसे इस आयत में ज़िक्र हुआ कि उनके लिए आराम, खुशबूदार फूल, नेमत के बाग, उनके लिए सलामती की दुआएं, ये सब होंगी। लेकिन अगर ऐसा अमल करके नहीं गया है तो फिर खौलते पानी के साथ उनकी मेहमान नवाजी और उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो मौत से डरने के बजाय अब तक अगर सांस हमारी बाकी है, अगर हम जिंदा हैं, तो अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना है हमने इंशाअल्लाह ताला। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाज़ा लेकर गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या तो ये राहत व आराम में है या लोग इससे राहत व आराम महसूस करने लगे हैं। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा वफात के बाद दुनिया के रंज व गम से छुटकारा पाता है और अल्लाह की रहमत के साए में पनह ले लेता है, और जब कोई फासिक व फाजिर शख्स मरता है तो दुनिया के लोग ज़मीन, दरक और चौपाए उसके शर से निजात पा जाते हैं। तो यहाँ ये मुतफक अलैह हदीस है, इससे हमको ये समझना है कि हम अपने आप को कैसा बना रहे हैं कि लोग हमारी वजह से अगर परेशान हैं तो हमारी मौत पर फिर वो लोग खुशी का इजहार करेंगे, और हम अपने आप को कैसे बना रहे हैं कि ये ठीक है, दुनिया है, यहाँ परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला हमको आज़मा रहा है, तो जब मौत आती है तो फिर ऐसा नेक आदमी इत्मीनान के साथ कि अब वो दुनिया के रंज व गम से उसको छुटकारा मिल गया है और वो अल्लाह के आराम की तरफ मुंतकिल हो गया। लेकिन वहीं अगर उल्टा किया है तो फिर उसको उल्टा ट्रीटमेंट ही मिलेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी लाए गए। हम लोगों ने देखा कि कैदियों में से एक औरत किसी को तलाश कर रही है। उसने कैदियों में से एक बच्चे को पाया तो उसको तेज़ी के साथ पकड़कर अपने सीने से चिमटा लिया और उसको दूध पिलाने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डालना पसंद करेगी? तो हमने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो अपने बच्चे को आग में डालना पसंद नहीं करेगी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे कहीं ज़्यादा मेहरबान है जितना कि ये औरत अपने बच्चे पर। हम भी माएँ हैं बहनों, हम भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है हमको अपनी औलादों से, और बेशक उस औरत की तरह हम भी मोहब्बत करते हैं अपनी औलादों से। लेकिन इस हदीस से जो हमको पता चल रहा है वो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो अल्लाह ताला तो हमको जहन्नुम में डालना नहीं चाह रहे, फिर ऐसा क्यों है कि हम नेक आमाल की तरफ अपने आप को नहीं मोड़ते? ऐ मौत से डरने वाले, उस आखिरी और लाजवाल राहत व आराम और नेमत को अपने पेश नज़र रख जो मौत का तल्ख जाम पीने के बाद हासिल होगा। तो शैतान भले ही आपको कितना भी डराए, मौत से, बीमारी से, परेशानियों से, उसकी इन चालों में आने की बजाय हमको क्या करना है, कुरान और हदीस पढ़कर अपने आप को सही रास्ते पर रख कर अपनी आखिरत का इंतज़ाम करना है इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट हम देखेंगे 12वें नंबर पर शैतान की टैक्टिक्स। शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए जो तरीके अपनाता है, इनमें से एक ये है कि वो बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। अगर वो बुराई है, इसके बावजूद भी वो उसको ब्यूटीफाई करके हमारे सामने पेश करता है, यानी वो बुराई और गुनाह के कामों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है और मसनवी ज़ेब व ज़ीनत के ज़रिए इंसान को बुराई करने पर उभारता है। शैतान का बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करना ऐसे आमाल में से है जो हर वक्त और हर जगह वाक़ होता रहता है। इसका मकसद ये होता है कि वो इंसानों को गुमराह कर दे, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करने से रोके और इस इबादत को दूसरों के लिए बना दे। आप देखें कि ये जो इखलास वाली इबादत, खालिस अल्लाह के लिए इबादत, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो शैतान क्या करता है, बुराई को ब्यूटीफाई करके ऐसा हमारे सामने पेश करने लग जाता है कि हमारी इबादत फिर खालिस नहीं रह पाती। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि शैतान ने कहा, परवरदिगार जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू चलना मुश्किल है। तो यहाँ शैतान की बात अल्लाह ताला जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसने कहा था कि जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, जन्नत में जाने वाले रास्ते पर तो वो है नहीं, तो वो कह रहा है कि मैं भी लोगों के रास्तों में बैठूंगा और उनको गुनाहों को आरास्ता करके, ये गुनाह वाला रास्ता बहुत आसान करके, ब्यूटीफाई करके मैं बता दूंगा और इस तरह से मैं उनको बहकाऊंगा। हाँ, लेकिन ये बात शैतान भी जानता था और अल्लाह ताला ने इसका जिक्र इस आयत में किया है। हाँ, इनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर काबू चलना मुश्किल है। तो जो खालिस अल्लाह की इबादत करते हैं उन पर शैतान का कोई कंट्रोल नहीं रह पाता, इस आयत से हमने ये समझा है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ कि अल्लाह तू इन मुखलिस बंदों में हमको शामिल फरमा ताकि हम पर शैतान का काबू चलना मुश्किल हो जाए। इब्न कईम फरमाते हैं कि शैतान की चालों में से एक ये भी है कि वो हमेशा अकल को मसहूर करता रहता है, यहाँ तक कि इंसान को धोखे में डाल देता है। इसके मकर व फरेब से वही महफूज रहता है जिसे अल्लाह चाहता है। जो काम इंसान के लिए मुजर होता है वो उसको खूबसूरत करके उसके सामने पेश करता है, यहाँ तक कि इंसान इसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ ख्याल करता है। इसी तरह जो प्रॉफिटेबल फेल होता है, जो प्रॉफिटेबल काम होता है, शैतान उससे नफरत दिलाता है, यहाँ तक कि इंसान इसको नुकसानदेह गुमान करने लग जाता है। तो शैतान कैसे उल्टा सोचने पर हमको मजबूर करता है, किस तरह से हमारी अकल उसका कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लेता है और हमको गलत चीज़ों पर उभारता है। वो नेकियों को मुश्किल करके हमारे सामने पेश करता है और वो बुराइयों को खुशनुमा करके, ब्यूटीफाई करके हमारे सामने पेश करता है और हमारे लिए बुराइयों को चलने पर उकसाता है। हमको क्या करना है, उस शैतान से अपनी हिफाजत करनी है। तो आए हम देखते हैं कि हम कैसे अवॉइड करेंगे शैतान के ट्रैप्स में आने से बचने के लिए, शैतान से अपनी हिफाजत हम कैसे करेंगे। जिस तरह शैतान के पास कुछ वसाइल व ज़राए हैं जिनके ज़रिए वो इंसान पर असरंदाज होता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने बंदे मोमिन को भी हिफाजत और दिफा, अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने ज़रिए अता किए हैं जो दुश्मन से उसको महफूज रखता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो हमको देखना है वो है इंटेंशन, नीयत ना। जितना ज़्यादा इखलास के साथ हम अमल करेंगे, अभी हमने देखा तो शैतान का फिर हम ऐसे लोगों पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपनी नीयतों को खालिस करें जो भी अमल हम कर रहे हैं। नफ्स पर सबसे ज़्यादा और शदीद और भारी अमल इखलास है, लेकिन ये तरके अमल का सबब नहीं बनता जो कि शैतान की गर्ज और उसका मकसूद है। शैतान ये चाहता है कि आप वो अमल करें ही ना। तो अगर इखलास के साथ हम कोई भी अमल कर रहे हैं और जितना खालिस नियत के साथ हम वो करेंगे तो शैतान का कंट्रोल नहीं रहेगा। और शैतान क्या चाहता है कि वो कंट्रोल करे आप पर, वो नेक अमल करने से हमको मना करता है। इसलिए बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अमल को पाक, साफ और खालिस बनाने की कोशिश करे। जो शख्स अपना अमल खालिस अल्लाह के लिए करता है उस पर शैतान का कोई जोर नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने ये आयत देखी थी सूरतुल हिजर की आयत नंबर 39 और 40। उसने कहा है, परवरदिगार जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, इनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर मेरा काबू मुश्किल है चलना। वहीं दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरतुल इसरा आयत नंबर 65, जो मेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर तेरा कुछ जोर नहीं और ए पैगंबर आपके रब का कारसाज होना काफ़ी है। तो अल्लाह ताला वकील बनेंगे ऐसे बंदों पर जो मुखलिस होंगे।
वहीं एक और आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं। शैतान से क्या कहा अल्लाह ताला ने कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, जो अपना हर अमल खालिस अल्लाह ताला के लिए करते हैं, किसी के दिखावे के लिए नहीं करते हैं, तो ऐसे बंदों पर तेरी तुझे कोई कुदरत नहीं। हाँ, बद राहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, जो मुखलिस बंदे नहीं हैं, तो उन पर वो हो सकता है कि तेरे पीछे चल पड़ेंगे। शैतान के पास ये याद रखें कि कोई ऐसा वसीला नहीं है जिसके ज़रिए वो अहले तौहीद व इखलास पर मुसल्लत हो। उसको अल्लाह ताला ने ऐसा कोई वसीला नहीं दिया है। तो बस अपना अमल खालिस अल्लाह के लिए रखिए, शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। फिर बंदे का इखलास उसी वक्त पाए तकमील को पहुंचता है जब वो अल्लाह ताला के लिए बंदगी को साबित कर दिखाए। इबादत अपने आम मानी में क्या है कि जैसा कहा गया है अल्लाह ताला ने वैसा किया जाए, जिस चीज़ से बचने को कहा गया उस चीज़ से बचा जाए, जो अल्लाह को पसंद है वो चीज़ें की जाएँ, ख्वाह वो अकवाल हैं, चाहे जो हम बोल रहे हैं वो, या हम तस्बीहात पढ़ रहे हैं वो, या वो ज़ाहिरी या बातिनी अफ़ाल में से कुछ होगा। ज़ाहिरी इबादत क्या है? जो हम हमारे बॉडी पार्ट से करते हैं, जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज, जिक्र, अस्कार, कुरान की तिलावत वगैरह। और बातिनी इबादतें क्या हैं? इंटरनल जो मैटर्स होते हैं वो दिल के आमाल हैं, जैसे मोहब्बत, उम्मीद, खौफ, तवक्कुल, इस्तआनत, ताज़ीम, खशियत, तवाज़ा, आजिज़ी, इनकसारी, ये सारी चीज़ें। अब इखलास क्या है? इखलास ये है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे को अपने अमल का शाहिद और बदला देने वाला ना समझा जाए। जो भी अमल कर रहे शाहिद, गवाही देने वाला, तो कोई और देख रहा है इसलिए मैं वो अमल कर रही हूँ, मैं वो नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं वो खैरात सदकात कर रही हूँ, ये मेरी अगर नीयत है, तो ये इखलास नहीं हो सकता। उसी तरह से मैं जो अमल कर रही हूँ इसका बदला मुझे सिर्फ अल्लाह देगा। उमूमन लोगों का ऐसा होता है ना कि अगर किसी को सदका खैरात करते हैं तो ये कि हाँ, दो तीन महीने में हमारे घर में शादी है तो शायद वो गरीब फिर हमारे काम आ जाए, या कोई जब भी कुछ मुश्किल आएगी, मैं बीमार हो जाऊंगी तो अभी आज मैं उसको सदका खैरात कर देती हूँ ताकि जब मैं बीमार हो जाऊँ तो फिर मैं उसको बुला के अपने घर के काम करवा लूँ। तो बदला आप अल्लाह से सिर्फ एक्सपेक्ट करें, लोगों से नहीं। अगर आप खैरात और सदकात के ज़रिए किसी की मदद कर रहे हैं तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि लेने वाला आप पर एहसान कर रहा है कि अल्लाह ने आपको जो माल दिया था, अल्लाह ये देखना चाह रहा है कि आप दूसरों को दे रहे या नहीं। तो अगर कोई लेने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर सोचें फिर आप किसको देंगे। ठीक, उसी तरह से इखलास ये भी है कि सिर्फ अल्लाह ताला को बिल मकसद इताअत के लिए खास कर दिया जाए। अगर इताअत होगी, हम किसी को फॉलो करेंगे तो वो सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला हो। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने दिल दिमाग में बिठा देना है। तमाम आमाल और उनकी इबादत अल्लाह के हुक्म और उसकी रज़ा के मुताबिक होती है। यही वो चीज़ है कि जिसके बगैर अल्लाह ताला किसी अमल करने वाले का कोई अमल कबूल करता ही नहीं है। और उसी के खातिर अल्लाह अपने बंदों को मौत और ज़िंदगी के ज़रिए आज़माता है। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया सूरतुल मुल्क आयत नंबर 2 में, उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है ताकि तुमको आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है, और वो ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। यही चीज़ है कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं यहाँ पर कि वही अल्लाह है जिसने तुमको ज़िंदगी दी है, वही तुमको मौत भी देगा। और ये जो ज़िंदगी दी है, इसको पैदा करने का मकसद गोया कि इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं, और वो ये है कि वो तुमको आजमाना चाहता है कि तुम में से कौन बेहतर अमल करके आता है। तो अपनी नीयतों को खालिस करना, ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान से बचने का, जो हमने देखा यहाँ पर। दूसरा, अल्लाह से मदद तलब करना और उसके अल्लाह के मुतालिक जो है वो अच्छा गुमान रखना। कोई भी शख्स शैतान और उसके मकर व फरेब से सिर्फ उसी वक्त निजात हासिल कर सकता है जब अल्लाह ताला की मदद और उसकी तौफीक शामिल। तो परेशानी आने पर घबराने की बजाय, किसी और को ये मानने की बजाय कि फलां के दरवाज़े पर मुझे मदद मिलेगी, ये सबसे पहले सोचना कि अल्लाह ही जो है वो मेरा सबसे बड़ा मददगार है, और उससे अच्छा गुमान रखना कि मुश्किल आई है और इस मुश्किल से अल्लाह ही निकालेगा, बीमारी आई है और शिफा अल्लाह ही देगा, परेशानी आई है इसका हल अल्लाह ही की तरफ से मुझे मिलेगा। ये एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में रखना।
अल्लाह ताला का इरशाद है सूरतुर रात आयत नंबर 10 में, कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा रखती हूँ और उसी की तरफ रुजू करती। यहाँ कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब, कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई है जिसकी हम इबादत करते हैं नहीं, और मैं उसी पर तवक्कुल रखती हूँ और उसी की तरफ रुजू करती हूँ। दूसरी जगह अल्लाह सुभान व तआला ने इरशाद फरमाया सूरतुल हूद आयत नंबर 88, मुझे अल्लाह ही की फजल से तौफीक मिलती है, मैं उसी पर भरोसा रखती हूँ और उसी की तरफ रुजू करती हूँ। तो ये जो शुक्र अदा करने की तौफीक भी अल्लाह ही की तरफ से मिलती है, तो खूब अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। बंदे का अपने रब के बारे में हुस्न ज़न रखना इंतहाई अहम मामला है। नाउमीद नहीं होना है हमने, बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखना है। जब बंदा अपने रब के मुतालिक बदगुमानी का शिकार हो जाता है ना, तो ये चीज़ इसको अल्लाह की रहमत और उसके अफू व करम से नाउमीदी तक पहुंचा देती है, और ये चीज़ कुफ्र और गुमराही का दरवाज़ा खोलती है। हम इससे अल्लाह की पनाह चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह यूसुफ आयत नंबर 87, अल्लाह की रहमत से सिर्फ बेईमान लोग ही नाउमीद हुआ करते हैं। तो कभी भी नाउमीद हम नहीं होंगे, हमेशा याद रखें इस बात को, अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना। अल्लाह ने ये परेशानी दी है, बीमारी दी है, और अल्लाह ही इसको दूर करेगा। जो भी, अगर आपको पैसों से मुतालिक मसला है, आपको बीमारी से मुतालिक मसला है, आपको कुछ और परेशानियाँ लाहक हैं, तो बस अल्लाह ने ही ये सारी चीज़ें मुझे दी हैं और अल्लाह ही इन चीज़ों से मुझे निकालेगा। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना, अल्लाह से हमेशा पुर उम्मीद रहना एक मोमिन बंदे के लिए ज़रूरी है। दूसरी जगह अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अपने और रब की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो गुम करदा राह पर होते हैं। अल्लाह सुभान व तआला क्या कहते हैं कि अपने रब की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो दालून होते हैं। तो अगर हम अल्लाह की रहमत से नाउमीद हैं, तो क्या हम उन लोगों में से हैं? नहीं, गुमराह लोगों में हम शामिल भी नहीं होना चाहते। तो इसलिए अल्लाह से नाउमीद होने की बजाय हम अल्लाह से जो है वो हमेशा अच्छा गुमान रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न रखने की बहुत ज़्यादा ताकीद की। सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब भी किसी शख्स का इंतकाल हो तो इसको इस हाल में होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न रखता हो। अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न रखने का क्या मतलब हुआ? कि बंदा ये एतकाद रखे, उसका ये बिलीव हो कि अल्लाह ताला उसके साथ रहम करम का मामला करेगा, अल्लाह उसकी तौबा ज़रूर कबूल करेगा और उसकी खताओं को अल्लाह माफ़ कर देगा। उल्मा ने कहा कि सेहत की हालत में भी बंदे को खौफजदा और पुरुमीद होना चाहिए, और दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। यानी अगर मान लो कि बीमार भी हैं तो उस वक्त खौफजदा तो होना चाहिए अल्लाह ताला से, लेकिन साथ ही साथ उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हुस्न ज़न अगर रख रहे हैं तो ये कि अल्लाह से अच्छा ही गुमान रखना है और बस गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, ये इसका मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला से हमेशा ये उम्मीद कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। तो सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि उसके लिए अल्लाह ताला के पास हाजिर हो करके हमने जो है वो तौबा इस्तगफार करना है, गिड़गिड़ाना है, रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। वहीं साथ ही साथ इसका खौफ तो है कि हाँ गुनाह हैं और इसकी माफ़ी ज़रूरी है, साथ ही साथ हमको जो है वो अल्लाह से पुरुमीद भी रहना चाहिए कि अल्लाह ज़रूर मेरी इस दुआ को कबूल करेगा और मेरी गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह का कौल है कि कसम है उस ज़ात की जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो बंदा भी अल्लाह ताला के साथ उसने ज़न रखता है, अल्लाह ताला उसी के मुताबिक उसके साथ मामला करता है। इसकी वजह यह है कि तमाम खैर उसी के हाथ में, अल्लाह ही के हाथ में सभी खैर के मामला। इसी तरह ये जानना भी मुनासिब है कि अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न रखना हुस्न अमल का मुतकाजी है, वरना
ظن و گمان پرفریب خواہش اور جھوٹے خواب ثابت ہوتے ہیں. تو بیلنسڈ جو ہے وہ ہم کو اللہ کی طرف سے اچھا گمان ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ بس اللہ سے اچھا گمان رکھ دیا اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تیسرا ہتھیار جس کے ذریعے سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو شیطان سے, وہ ہے ذکر اور اذکار. یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ذکر و اذکار جسم کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. یعنی جو ذکر کر رہا ہے وہ زندہ, اور مردہ جس کو ذکر کرنے کا موقع ملے گا کیا؟ کیونکہ وہ مر چکا ہے, نہیں ملے گا اس کو موقع. تو مردہ بالکل ایسا, جو ذکر نہیں کرتا وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی مردہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد فرماتے ہیں, اے ایمان والوں, کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو. یہ دیکھیں اللہ کا حکم ہم کو یہاں مل رہا ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. تو یہ صبح و شام کے اذکار کی اہمیت اس آیت سے بھی ہم کو پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی اور کامرانی کو کثرت ذکر بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 45, اے ایمان والوں, جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. تو اگر ہم کو پروگرس چاہیے, کامیابی چاہیے, تو اس کے لیے بھی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور کیسے؟ کثرت سے, بہت زیادہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار میں مشغول لوگوں کی تعریف کی ہے اور ان سے عظیم بدلے کا وعدہ بھی کیا ہے. اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں, کہ جس میں کہا گیا, کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں, کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو ایسے لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بخشش, ان کی مغفرت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اسی طرح سے ان کو اجر عظیم اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے. اسی طرح ذکر اللہ کا جو ہے یہ عذاب الہی سے بھی ہم کو بچاتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ سے مروی ہم کو ملتا ہے کہ کسی آدمی نے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے عذاب سے اس کو سب سے زیادہ نجات دینے والا ہو. تو ذکر الہی جو ہے نہ صرف یہ کہ شیطان سے بچاتا ہے, بلکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی جو ہے وہ ہم کو بچاتا ہے. پھر پناہ طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگنا, استعاذہ کہتے ہیں اس کو. استعاذہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسمان و زمین کے مالک کی پناہ حاصل کر کے حفاظت کے قلعے میں قلعہ بند ہو جائیں, تاکہ وہ آپ کو شیطان کے شر, اس کے پھندے اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے. تو یہ جو فورٹ, ایک مضبوط فورٹ, ایک مضبوط قلعہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ مضبوطی کے ساتھ رہیں, وہ صرف اور صرف اللہ کی پناہ میں ہی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو, بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. استعاذہ کے کچھ اوقات اور مقامات ہیں. یہ جو اللہ سے جو ہم کو پناہ مانگنی ہے, تو اس کے اوقات یعنی کہ اس کے ٹائمنگز بتائے گئے ہیں اور کچھ جگہیں ہیں. ان میں سے ہر ایک کی مناسبت سے جو دعائیں موجود ہیں, جیسا کہ ہم کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے, ہم نے وہ پڑھنا ہے. جیسے اگر میں اوقات ٹائمنگز کی بات کروں تو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں, دے آر دا ٹائمنگز, کہ صبح کے وقت اگر آپ نے صبح کے اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو صحیح احادیث سے ملتے ہیں, ان سارے اذکار کو بیٹھ کر کے پڑھ لیا, تو وہ جو آپ نے 15 سے 20 منٹ کے اذکار پڑھے ہیں, اس کی وجہ سے جو آپ نے صبح پڑھے ہیں, آپ شام کو سورج غروب ہونے تک محفوظ رہیں گے ہر شر سے. اور پھر اس وقت شام میں اگر آپ نے اذکار پڑھے ہیں شام کے, تو اس کی ویلیڈیٹی اگلے دن سورج طلوع ہونے تک کی ہے.
तो ये जैसे टाइमिंग्स बता दिए गए, ऐसे वैसे ही रात में सोते वक्त के अस्कार पढ़ना, तो रात में जबकि आप नींद में हैं तो वो तो आरजी मौत है, तो उस वक्त भी आपकी हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये टाइमिंग्स हुए। उसी तरह से कुछ मकामात, सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, कुछ औकात पर जो है वो पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है। जैसे मैं अगर मिसाल दूँ आपको, तो अल्लाह सुभान व तआला ने सूरह नहल की आयत नंबर 98 में फरमाया कि जब तुम कुरान पढ़ने का इरादा करो तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। तो ये क्या है, प्लेस एंड टाइमिंग, कुरान पढ़ते वक्त आपने क्या करना है, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसी तरह से अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो जो हमको हदीस में मिलता है कि जब आप वॉशरूम विजिट कर रहे हो तो आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ए अल्लाह नापाक शैतानों से मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, वो जो खबीस जो वॉशरूम के अंदर हैं उनके शर से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। तो ये कुछ प्लेसेस हैं कि ऐसी जगहों पर जाने से पहले हमको जो है वो अल्लाह की पनाह तलब करने के लिए कहा गया है। पांचवा हमारा हथियार कि जिसके ज़रिए से हम शैतान के इन सभी चालों से महफूज हो सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वन है, और ये है इल्म। क्योंकि जहालत की वजह से शैतान के जिस तरह से हम फरेब में चले जाते हैं, वहीं इल्म का हमारे पास होना ये शैतानी हथकंडों से हमको बचाता है। इल्म ही के ज़रिए हक पहचाना जाता है, इसी के ज़रिए राहें रोशन होती हैं, हकायक जाहिर होते हैं, रास्ते वाज़े होते हैं, हिदायत और गुमराही के दरमियान फ़र्क पता चलता है। इसी इल्म और तौहीद को अपने रब के पास से लेकर अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए थे और किताबें नाजिल की गई थीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जान रखो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19। वहीं अल्लाह सुभानहू ताला सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 में कहते हैं, कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते हैं दोनों बराबर हो सकते हैं, नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अकलमंद हैं। तो अल्लाह की इन आयात के ज़रिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए हमको भी नसीहत हासिल करने वाले बनना है और शैतानी हथकंडों से अपने आप को बचाने वाले बनना है। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ क्लियरली कह रहे हैं कि जो इल्म रखते हैं और जो नहीं इल्म रखते, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, और नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अकलमंद हैं। तो अगर आपने वाकई अपने आप को अकलमंद साबित करना है तो फिर कुरान और अहदीस को पढ़ना, उसको समझना और उसके मुताबिक अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर रखना और अपने आप को शैतान के गुमराह रास्तों से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब बातों के लिए आपको आपके पास इल्म होना चाहिए, आपको जानना होगा कुरान और हदीस को। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया है, सूरह मुजादिला आयत नंबर 11, जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। तो अगर दर्जात बुलंद फरमाने हैं तो फिर हमको इल्म हासिल करना होगा। हज़रत माविया बिन अबू सुफियान से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है इसको दीन की समझ यानी दीन का इल्म अता फरमा देता है। तो उस अल्लाह से मांगें कि अल्लाह तू मेरे साथ भलाई कर, तू मुझे दीन की समझ अता फरमा, ताकि ये सारा इल्म मेरे पास हो और इस इल्म के ज़रिए मैं शैतान के गुमराही वाले रास्तों से बच सकूं और अपने आप को जो है वो जहन्नुम की आग से बचा सकूं। छठा तरीका जिससे हम बच सकते हैं और शैतान से अपना डिफेंस हासिल कर सकते हैं, वो है नफ्स की किलाबंदी। शैतान हमेशा मोमिन के पीछे पड़ा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक उसको रुसवा करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए तमाम हालात और हर किस्म के टाइमिंग में शैतान से हिफाजत का तरीका बताया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सोता है तो शैतान इसके सर के पीछे 3 गांठें गिरहें नॉट्स लगाता है और हर नॉट पर ये फूंक देता है कि सो जा, अभी रात बाकी है। फिर अगर वो उठता भी है, नींद से बेदार भी अगर होता है
और फिर वो अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गांठ खुल जाती है, तीन जो गांठें उसने लगाई थी। फिर जब वो वजू बना लेता है तो दूसरी गांठ भी खुल जाती है। फिर जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो तीसरी वाली जो बची हुई गांठ है वो भी खुल जाती है, और वो सुबह के वक्त हशाश बशाश और खुश मिजाज रहता है। और अगर वो सुबह उठ कर के अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उठने की जो दुआ है, जैसे ही जागते हैं हम तो जो दुआ बताई गई है वो, या वो वज़ू बना करके नमाज नहीं पढ़ता है, तो वो कैसा होता है? इस हदीस में जो बयान किया गया वो है कि वो खबीसुन नफ्स होता है, वो सुस्त रहता है, वो बद बातिन रहता है। तो अल्लाह से दुआ करें कि ये जो तीन गांठें शैतान रोज़ाना हम में से हर एक के सर पे लगाता है, तो अल्लाह तू हमको तौफीक दे कि हम रोज़ सुबह उठ करके इन तीनों गांठों के खुलने का अपने इंतज़ाम करें। मुसलमान को चाहिए कि घर से निकलते वक्त अपने नफ्स को शैतान के शर से महफूज रखे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़े, वो दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ता है तो इसका मतलब होता है अल्लाह के नाम से अल्लाह पर एतमाद रखते हुए अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरी ताकत नहीं। तो जब ये कोई भी घर से निकलते वक्त पढ़ता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी है अल्लाह, तुमको बचा लिया गया और शैतान उससे दूर भाग जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स खाए तो दाहिने हाथ से खाए, यानी राइट हैंड से खाए, राइट हैंड से पिए, राइट हैंड से पकड़े, राइट हैंड से हाथ दे, इसलिए कि शैतान अपने लेफ्ट हैंड से खाता है, अपने लेफ्ट हैंड से पीता है, अपने बाएं हाथ से पकड़ता है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ता है और अपने बाएं हाथ से देता है। तो किसी को दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये सब में हमको राइट हैंड को यूज़ करना है। हम देखते हैं आमतौर पर ये कि लोग खाना खा रहे होते हैं राइट हैंड से बेशक, और उनके हाथ में लेफ्ट हैंड में जो है वो पानी का ग्लास होता है, वो राइट हैंड से खाते हैं, लेफ्ट हैंड से पानी पी रहे होते हैं। तो इस हदीस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि शैतान लेफ्ट हैंड से खाता और पीता है, तो जैसे हम राइट हैंड से खा रहे हैं वैसे ही हम राइट हैंड से पियेंगे। तो अगर खाते वक्त ही अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप राइट हैंड से ही पानी का ग्लास उठा लें, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास गंदा हो जाएगा। तो जैसे आप आपकी प्लेट धोएंगे ना खाना खाने के बाद, वैसे ही आप ग्लास को धुल लीजिएगा, मुश्किल बात तो नहीं है ना, बजाय इसके कि आप लेफ्ट हैंड से पानी पिए। तो ख़ुद भी इस पर अमल करें और अपने बच्चों से भी कहें, क्योंकि बच्चे उमूमन ऐसी गफलत में चले जाते हैं और माँ बाप ध्यान भी नहीं देते फिर इन बातों पर। तो ये वो अपने नफ्स के किलाबंदी। इसी तरह से आठवीं जो हमारा डिफेंस देखेंगे वो है घर की किलाबंदी। शैतान के नज़दीक सबसे बड़ा और पसंदीदा फितना किसी मुसलमान के घर को तबाह करना और हस्बैंड वाइफ के दरमियान में इख्तलाफ पैदा करना है। इसके नतीजे में आमतौर पर क्या होता है, हम देखते हैं कि क्या हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ खुद ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इसमें बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती, इससे गफलत हो जाती है और वो बच्चे जो हैं वो मतलब उनकी तरबियत नहीं हुई है, उनका ज़ाया हो जाना उनकी वजह से सोसाइटी के सुतूनों में से एक सुतून गोया के मुनहदिम हो गया और कमज़ोर होकर नेस्तो नाबूद हो जाना। क्योंकि हर जो फैमिली है ये हमारी सोसाइटी का जो है वो बैकबोन है। अगर सारी फैमिलीज हमारी सोसाइटीज़ में बेहतर रहेंगी तो हमारी सोसाइटी बेहतर रहेगी। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा अगर उस घर में, तो फिर उस घर में अगर तरबियत ही नहीं हो रही है तो फिर वो फ्यूचर जनरेशन फिर सोचे हमारी सोसाइटी का क्या होगा। इसलिए शैतान से फौरी हिफाजत ज़रूरी है, शैतान को घर से ही बाहर निकाल देना होगा हमको, कि जिससे वो घर में ऐसे फितने पैदा ही ना करें, ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, ना बच्चों को कुछ बुरी आदतें लगें। तो इसके लिए क्या बताया गया है हमको, इसके लिए हम देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसनद अहमद की हदीस है, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। तो सूरह बकरा की तिलावत की पाबंदी, रोज़ाना हमारे घर में बिला नागा जो है वो कुरान की तिलावत, और अपने बच्चों से कहें कि थोड़ा बुलंद आवाज़ में तिलावत करें। शैतान का मकर व फरेब सिर्फ एक ही फर्द तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आदमी की जो औलाद होती है उनको भी रुसवा करने और नुकसान पहुंचाने के लिए
वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो करता है। जैसे हज़रत जाबिर से मरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस हमको मिलती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात शुरू होने लगे तो अपने बच्चों को रोक लो। ये बताया जाता है, उलमा इकराम बताते हैं कि ये मगरिब से पहले का वक्त, सूरज के गुरूब होने यानी सनसेट से थोड़ा कुछ मिनट पहले का वक्त होता है, कि तब अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि उस वक्त शैतान इधर उधर फैलते हैं। एक दूसरी रिवायत में है कि इस वक्त जिन उचकते हैं और इधर उधर फैलते हैं, तो उस वक्त क्या करना है हमने कि अपने बच्चों को घरों के अंदर ले लेना है और बिस्मिल्लाह बोल करके हमारे घरों की खिड़कियां और दरवाज़ों को बंद कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जिस घर के दरवाजे और खिड़कियां बिस्मिल्लाह बोल करके बंद कर दिए गए अल्लाह का नाम ले करके, तो फिर वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता, तो पूरी फैमिली मेम्बर्स की इंशाल्लाह फिर हिफाजत हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को अल्लाह की हिफाजत में देते हुए ये दुआ पढ़ते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन कुल्ली शैतानि वहाम व मिन कुल्ली ऐनि लाम। ये बुखारी की हदीस में हमको मिलता है कि मैं तुम दोनों को अल्लाह ताला के मुकम्मल कलमात के ज़रिए हर शैतान मोज़ी जानवर और हर नज़रबद वाली आँख से अल्लाह ताला की पनाह में देता हूँ। तो यहाँ है कि अब बच्चों की नज़र जो है वो बुरी नज़र से, शैतान के शर से, कोई जहरीले जानवर से, हर तरह की हिफाजत हो जाएगी ये दुआ पढ़ने से। तो ये दुआ पढ़ते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों पर। अब दो थे इसलिए उईज़ुकुमा, अगर एक ही आपका बच्चा है और उस पर आप दम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये दुआ जो है वो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, उईज़ुकुमा की बजाय उईज़ुका जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमने नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रबद से बचाने के लिए हज़रत हुसैन और हज़रत हुसैन को, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन दोनों को काजल का टीका गाल पर लगा रहे हैं या पेशानी पर लगा रहे हैं या चिन पर लगा रहे हैं या गर्दन पर लगा रहे हैं या हाथों पर लगा रहे हैं, ऐसा हमने नहीं देखा। ये हमने दूसरे मज़हबों से लिया है, प्लीज़ इससे बचें। हमको ये दुआ बताई गई है, इस दुआ को अपने बच्चों के लिए पढ़ें और अपने आप के लिए ये दुआ पढ़नी है हमने, उसका मतलब जो है सेम निकलता है। तो जो तरीके हमको बताए गए उन तरीक़ों को हम अपनाते नहीं हैं और गैरों के तरीके हम अपनाते जा रहे हैं, और इसी वजह से शायद हमारा सुकून जो है वो गारत है। शैतान के साथ इंसान का मौरका दायमी है, पैदाइश के वक्त से जब वो शैतान के कचोके से चीखता चिल्लाता है, वफात तक शैतान उसके साथ लगा रहता है ना। तो यानी ये पैदाइश से लेकर वफात तक, इंतकाल होने तक, मौत तक शैतान लगा हुआ होता है हर शैतान के पीछे, शैतान लगा हुआ होता है हर इंसान के पीछे। ये एक ऐसा मौरका है जो हमेशा जारी रहता है, कभी रुकता नहीं, इसलिए कि शैतान इस जंग से उकताता नहीं है, जिसका ऐलान उसने उस रोज़ किया था जब वो मलून करार देकर अल्लाह की रहमत से धुतकारा गया था। इसलिए मोमिन के लिए ज़रूरी है कि उससे गफलत ना बरते और ना ही उसके सामने खुद सुपुर्दगी करे, बल्कि उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करे, क्योंकि उसके लिए दो सूरतें हैं, या तो वो रहमान का दोस्त होगा या शैतान का दोस्त होगा, उसके अलावा कोई तीसरी सूरत नहीं हो सकती। तो ये दो ऑप्शन में से इंशाल्लाह हम रहमान का दोस्त अपने आप को सेलेक्ट करें। अल्लाह ताला जो बुलंद है, कुदरत वाला है और जिसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है, हम उससे ये दुआ करते हैं आखिर में कि हमें अपने वसी रहमत और अजीम मगफरत में ढांप ले, हमें अपनी हिफाजत और पनाह में ले ले, हमें नेकी और एहसान से नवाजे, हमें अपने मुखलिस बंदों के ज़मरों में शामिल करे, और हमें हमारी औलादों और अहलोयाल को शैतान के मकर व फरेब से महफूज रखे। आमीन। बेशक वो इसका मालिक और उस पर कुदरत रखता है, बेशक। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।